नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बरेली में एडीजी जोन अविनाश चंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। रंगों का त्योहार होली पर्व पर ऐसे व्यक्ति जिनसे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, ऐसे व्यक्ति जिनको जान का खतरा है और जिनसे जान का खतरा है, ऐसे लोगों को थाने में लाकर बैठाया जाएगा। थाने में ही उनकी होली संपन्न कराई जाएगी। थाना परिसर में रंग, अबीर, गुलाल, गुजिया की व्यवस्था पुलिस द्वारा की जाएगी। शांति भंग ना हो इसलिए पुलिस को अपने क्षेत्र में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बरेली संवाददाता कमर बेग की रिपोर्ट। इस बार होली सुपर सेंसिटिव है, क्योंकि पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, होली भी है और मुस्लिम का भी त्यौहार है, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके लिए पुलिस ने विशेष तैयारी भी कर रखी है। अन्य जो तैयारी हम लोग हर साल करते हैं, कस्टमरी तैयारी की, त्यौहार रजिस्टर का अध्ययन करना, उसके आधार पर लोगों को पाबंद करना, हर मोहल्ले गाँव जाके विजिट करना, ग्राम समितियों की बैठक करना, पीस कमेटी की, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। उसके साथ साथ ये भी हमने निर्देश दिया है और उस पर अमल भी हो रहा है कि पिछले 2 वर्षों में जो पुलिसकर्मी जिस भी पद पर उस थाने पर तैनात थे, उनसे वर्तमान में तैनात के लोग बातचीत करेंगे और किसी भी इवेंट को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो भी चैलेंजेस उस समय आए थे वो उनसे पता करेंगे और उन लोगों को प्रॉपरली अटेंड कर लेंगे, जिससे इस बार उन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरी व्यवस्था की गई है कि यूपी 112 पे बहुत सारे इवेंट जनरेट होते हैं मारपीट करके फौजदारी के, तो होली के दिन जो इवेंट जनरेट हुए हैं, 2 दिन पहले जो जनरेट हुए हैं, 2 दिन बाद जो जनरेट हुए हैं, उन 5 दिन का इवेंट जो जनरेशन हुआ है उसको रिविजिट करेंगे, दोनों पक्षों को बुला करके उनको समझाया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि पंचायत चुनाव की भी तैयारी चल रही है, वैमनस्यता परिलक्षित हो रही है, फौजदारियाँ भी हो रही हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको प्रिवेंटिव डिटेन करेंगे और उनको थाने पर ही रखा जाएगा, उनकी होली थाने पर मनवाई जाएगी। ये निर्देश बहुत ही सख्ती के साथ दिए गए हैं। शांति भंग होने की प्रबल संभावना है, ऐसे लोगों को ले आकर के थाने पर रखा जाएगा और दोनों पक्षों की होली वहीं मनेगी, जिसको जान का खतरा है और जिससे जान का खतरा है, दोनों पक्षों को ले आकर के थाने पर डिटेन रखेंगे। वहीं पर अबील गुलाल की व्यवस्था होगी, रंग की व्यवस्था होगी, गुजिया की व्यवस्था होगी और उनकी होली हम लोग वहीं पे मनवाएंगे, जिससे पूरी तरह व्यापक हित में कुछ लोगों को अपना निजी हित अवश्य समर्पित करना पड़ेगा, तो इस बड़े उद्देश्य के लिए ये सब प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग ले रहे हैं।